प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिट्टी चोखा बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमने एक किलो गेहूं का आटा ले लिया है, थोड़ा हरा धनिया ले लिए हैं, चार बैंगन ले लिए हैं, एक किलो आलू ले लिए हैं, 300 ग्राम भुना हुआ चना ले लिए हैं, 7-8 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 3 नींबू ले लिए हैं, 4 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, 2 चम्मच सरसों का तेल ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच मंगरायल है, 1 चम्मच सौंफ ले लिए हैं। तो चना को इस तरीके हथेलियों से रगड़कर छिलका निकाल देते हैं। आप इस तरीके निकालिए या तो सूप में इस तरीके रगड़कर निकाल दीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए चना बढ़िया से साफ हो गया है। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। चना पीस के तैयार हो गया है, ये देखिए इसे थाली में निकाल लेते हैं। तो सभी इस तरीके भुना हुआ चना पीस कर तैयार कर लेते हैं। दो हरी मिर्च काट लेते हैं। लहसुन की कलियां काट देते हैं। अब हम नींबू निचोड़ देंगे। नींबू का बीज निकाल देते हैं। दो नींबू निचोड़ देते हैं और एक नींबू चोखा में डालने के लिए रख देते हैं। अब हम सौंफ, मंगरायल और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। सरसों का तेल डाल देंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं। अच्छी तरीके मिला दिए हैं, ये देखिए। अब हम बैंगन भून लेते हैं। तवे में इस तरीके बैंगन रख देंगे और टमाटर रख देंगे और भगोना से ढक देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। जब तक बैंगन भून रहा है तब तक हम आटा गूंध लेते हैं। आटा गूंध के तैयार हो गया है। अब हम आग जलाएंगे, गांव की स्टाइल में लिट्टी चोखा बनाएंगे। अब हम कंडी रख देते हैं, इसे गांव में उपड़ी बोलते हैं, कंडी बोलते हैं। जब तक आग जल रही है आइए अब लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। पीसा हुआ चने में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अच्छी तरीके मिला देते हैं, ये अच्छी तरीके हमने मिला लिया है। अब हम लोइयां बनाएंगे। इस तरीके हम लोइया बना लेते हैं और लिट्टी का मसाला भर कर इस तरीके ऊपर का हिस्सा चिपका देते हैं। लिट्टी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके सभी लिट्टी बना के तैयार कर लेते हैं। सभी लिट्टी हमने बना लिया है, ये देखिए। आइए इन्हें सेंकते हैं।
कंडी भी बढ़िया से जल गई है। चिमटे की सहायता से अच्छी तरीके फैला देते हैं और एक एक करके लिट्टी इसमें डाल देते हैं। सभी लिट्टी हमने आग में डाल दिया है, अब इन्हें पलट देते हैं। इनको चारों तरफ बढ़िया से सेक लेंगे। लिट्टी चारों तरफ से बढ़िया सेक गई है, ये देखिए। अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब इस लिट्टी को हम मोटा सूती कपड़े में रख कर इस तरीके हम पोंछ लेते हैं ताकि इसमें के जो राख लगी है वो साफ हो जाए। ये देखिए लिट्टी बढ़िया से साफ हो गई है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। सभी लिट्टी इस तरीके हम साफ कर लेते हैं। सभी लिट्टी हमने साफ कर लिया है, ये देखिए। आइए अब आलू भून लेते हैं। आलू के ऊपर इस तरीके हम आग रख देते हैं ताकि बढ़िया से भून जाए आलू। जब तक आलू भून रहा है अब हम लिट्टी में देसी घी लगा लेते हैं। इस तरीके लिट्टी डुबोकर घी में थाली में रख लेते हैं। सभी लिट्टी में हमने देसी घी लगा लिया है। देसी घी लगाने से कई गुना स्वाद बढ़ जाता है लिट्टी का। सभी लिट्टी बनके तैयार हो गई है। आइए अब बैंगन की तरफ चलते हैं। बैंगन भी बढ़िया से पक गया है, ये देखिए, और टमाटर भी बढ़िया से पक गए हैं। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरीके और भी बैंगन और टमाटर पका लेते हैं। आलू भी बढ़िया से भून गया है, ये देखिए। इसे भी सूती कपड़े में पोंछ लेते हैं। आलू भी बढ़िया से साफ हो गया है, ये देखिए। अब इसमें का छिलका उतार देते हैं। सभी आलू का छिलका उतार दिए हैं। टमाटर का छिलका उतार लेते हैं। बैंगन का छिलका उतार लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें कीड़ा ना हो। बैंगन मुलायम था, कीड़ादार नहीं था। ये देखिए कीड़ा नहीं है इसमें। तो छिलका उतार के बैंगन रख लेते हैं। आलू बैंगन टमाटर का छिलका उतार के इस तरीके हमने रख लिया है। अब हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे हम पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया है। इसे हम चोखा में डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके मिला देते हैं। आलू को फोड़ देते हैं, टमाटर भी इस तरीके फोड़ लेते हैं।
अब हम इस तरीके हथेलियों से मिला देते हैं, चोखा रेडी कर लेते हैं। लिट्टी में जो देसी घी लगाए थे उसको डाल देते हैं एक चम्मच। अब अच्छी तरीके मिला देते हैं। एक नींबू का रस डाल देंगे। लिट्टी चोखा बनके तैयार हो गया है। थोड़ा प्याज रख लिए हैं। आइए अब सर्व करते हैं। अगर आज की हमारी लिट्टी चोखा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।